जम्मू में पुलिस और प्रशासन और की पहल पर रैली का आयोजन, लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। ऋषिकेश में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी लगा रहे हैं गंगा में डुबकी, रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में जेल में 7 दिन तक योग शिविर का आयोजन, कैदियों ने योग की ट्रेनिंग ली। मध्य प्रदेश के खरगोन में बैंक के गार्ड ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, 3 दिन मेहनत कर सीसीटीवी से पहचाना एक ग्राहक, बैंक में छूटे 10,000 रुपए लौटाए। मध्य प्रदेश के दमोह में मड़िया गांव के युवकों ने खोदा कुआं, खुदाई में निकली ऐतिहासिक महत्व की चीजें। हरियाणा के जींद में एक चौकीदार के बेटे ने 10वीं की परीक्षा में किया टॉप, आईएएस बनना चाहता है कार्तिक। बाराबंकी के दौलतपुर में ग्रामीणों ने मिलकर खोला डिग्री कॉलेज, 10 साल पहले अमिताभ बच्चन ने किया था वादा, नहीं हो पाया पूरा। ग्वालियर में ट्रेन में आग लगने से सैकड़ों यात्री समेत बचे 37 ट्रेनी आईएएस ऑफिसर, समय रहते सभी यात्री बोगी से निकाल लिए गए बाहर। एपीएससी एक्सप्रेस की B6 और B7 बोगी में लगी आग, इन्हीं दो कोच में दूसरे यात्रियों के साथ सवार थी 37 ट्रेनी आईएएस। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन पर हाई टेंशन तार गिर गया था जिसके बाद ट्रेन में आग लगी। बिहार के समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा, पति पत्नी ने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी की, पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चलती ट्रेन में हुआ बच्ची का जन्म, रेलवे के डॉक्टर्स ने कराई डिलीवरी। बिहार के पूर्णिया में आरपीएफ जवान की घिनौनी करतूत, युवक को धमकी देकर कुकर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग। फरीदाबाद में कुएं में गिरी गाय को बचाने के दौरान 2 युवकों की मौत, हादसे में गाय की भी जान गई। हरियाणा के फतेहाबाद में कार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल।